रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स विश यू फाइन इट्स मी वलीद खलील टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिकल पावर ओके सो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर इट इज डिफाइंड एज इट इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अच्छा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी रेट से बर्बाद हो रही है किसी डिवाइस में दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर समझा गई बात मतलब अगर आपके पास एक डिवाइस है और वो इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूम कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रही है तो किस रेट से कंज्यूम कर रही है किस रेट से एनर्जी ये खर्च हो रही करती है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर एंड इट इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट टाइम हमारे पास ये वर्क जो है ये मुख्तलिफ दिस वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल वर्क बिकॉज हमारे पास डिफरेंट वर्क है इलेक्ट्रिकल वर्क दिस इज कॉल्ड mechanical work the second one is called electrical work the third one is called thermodynamic work right to yahan par humne jo work ka lafz istemal kiya hai this is actually electrical work so hamare paas ye barabar hai electrical work per unit charge is called potential difference ya yeah, I can say ye isi tarah barabar ho gaya so put it here we will get electrical power equal to q v चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिवाइड बाय टाइम अच्छा है डू यू नो चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल करंट सो इट विल बिकम पी इक्वल टू वी आई दिस फार्मूला इज कॉल्ड पेरेंटल फार्मूला राइट पेरेंटल फार्मूला मीन्स दिस कैन बी यूज फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सर्किट अच्छा अभी एक वी फोटो अगर हम वी की जगह आई आर पुट करें तो आपके पास आएगा पी इक्वल टू आई स्क्वेयर आर दिस इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस वन दिस इज कॉल्ड सेकेंड इक्वेशन अगर हम I की जगह इस पेरेंटल इक्वेशन में V बाय R पुट करें तो आपके पास आएगा P इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर दिस इज थर्ड इक्वेशन राइट अच्छा जनाब अगर आप फास्ट पेपर्स को देखिए तो इसमें खासकर इनिम्लिकेट और रीटा के हवाले से तो इसमें इसी तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं JIK के टेस्ट में NEST के टेस्ट में कि इफ़ देयर आर थ्री बल्ब्स 100 वाट 200 वाट एंड 300 वाट दे आर कनेक्टेड इन द सीरीज सो विच वन विल बी द मोर ब्राइट राइट विच विल बी द ब्राइटेस्ट इसी तरह का क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास एक फॉर एग्जांपल इसी तरह सीरीज में हमने कनेक्शन किया है और सीरीज में हमारे पास रेजिस्टर्स है और इनकी पावर लिखा गया है इनके ऊपर 40 वाट 60 वाट एंड 100 वाट इसी तरह इनके ऊपर लिखा गया है and they are connected to a single potential difference source of 220 volt right so question number first isi tarah pucha ja sakta hai aur isme isi tarah question is par aaye bhi hai ki which of the four what is the relationship between their resistances among the their resistances what is the relationship of among their resistances inke resistances ke darmiyan ratio kya hogi option number a kya inke resistances barabar hogi option number b kya inka resistance r1 greater than r2 and it is greater than r3 option number c hai r1 is less than r2 and this is less than r3 और ऑप्शन नंबर डी नॉट इनफ डेटा अच्छा पहली बात तो ये है कि हमारे पास ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये तो गलत है क्योंकि रेजिस्टेंसेस तो बराबर नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास ये डिफरेंट पावर है सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिस इज इनकरेक्ट राइट दिस इज अ कॉमन सेंस अच्छा अभी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी और सी की बात करते हैं तो याद रखिए इसके लिए मैं एक शॉर्टकट लिखता हूँ शॉर्टकट क्या है जनाब याद रखिए शॉर्टकट ये है हमारे पास ये शॉर्टकट ये है कि जब भी आप किसी भी रेजिस्टेंसेस को फाइंड करना चाहते हैं खा वो सीरीज़ में हो या पैरेलल में हो बिकॉज रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ दी इट्स कनेक्शंस सो इसका जो रिलेशनशिप है R इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई पी या R इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द पावर समझा गई बात मतलब जिस बल्ब की पावर सबसे ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस क्या है सबसे कम होगी कहने का मतलब ये है कि ये सबसे कम है सो द रेजिस्टेंस R1 इट विल बी द सबसे ज़्यादा और रेजिस्टेंस R3 जो है कि
क्योंकि इसकी पावर सबसे ज़्यादा है, तो पावर और रेजिस्टेंस के दरमियान जो रिलेशनशिप है ये तो इन्वर्स है, इसी वजह से द रेजिस्टेंस आर वन विल बी ग्रेटर देन आर टू एंड इट विल बी ग्रेटर देन आर थ्री. सो कीप इट इन माइंड दिस शॉर्टकट, राइट. सो ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट बिकॉज रेजिस्टेंस एंड पावर आर इन्वर्सली रिलेटेड. सो वी कैन सिंपली से दैट आर वन विल बी ग्रेटर देन आर टू एंड दिस विल बी ग्रेटर देन आर थ्री. अच्छा जी, अच्छा अगर इसी तरह क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा, अगर इसी तरह क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप का रिलेशनशिप क्या होगा जनाब, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वोल्टेज ड्रॉप एमंग ऑल द रेजिस्टेंसेज, इनके रेजिस्टेंस, इनके जो रेजिस्टेंस हैं इनमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी. तो सिंपल सी बात है, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अमंग जी. अच्छा तो शॉर्टकट की नोट कीजिए अपने पास, शॉर्टकट क्या है जनाब, डियर स्टूडेंट्स हो, शॉर्टकट की नोट कीजिए कि जिस वोल्टेज ड्रॉप इन सीरीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसी में वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगी. समझ आ गई बात. कहने का मतलब ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये हमारे पास रेजिस्टेंस की रिलेशनशिप है तो यही रिलेशनशिप जो है ये वोल्टेज ड्रॉप की भी होगी. वी वन ड्रॉप विल बी ग्रेटर देन वी टू ड्रॉप एंड वी टू ड्रॉप विल बी ग्रेटर देन वी थ्री. मतलब मिनिमम ड्रॉप विल बी इन 100 वाट बिकॉज इसकी रेजिस्टेंस क्या है कम है, और मैक्सिमम ड्रॉप विल बी इन द फर्स्ट 40 वाट बिकॉज इट्स रेजिस्टेंस इज ज़्यादा, दैट इज वाई पावर वोल्टेज ड्रॉप विल बी ज़्यादा. समझ आ गई बात. अच्छा जनाब डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इसी तरह भी आ सकता है कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर यही अरेंजमेंट है और क्वेश्चन इसी तरह अगर आ जाए कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब जी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब जी, कैन यू टेल मी जी, बोलो. अच्छा जी, तो इसके लिए शॉर्टकट याद कीजिए डियर स्टूडेंट्स. शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है डियर स्टूडेंट्स कि ब्राइटनेस जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द वोल्टेज ड्रॉप, जिसमें वोल्टेज ड्रॉप सबसे ज़्यादा है इसी में ब्राइटनेस भी सबसे ज़्यादा होगी. समझ आ गई बात. अब के पास रिलेशनशिप क्या है जी स्टूडेंट शबा, बोलो. हम सीरीज की बात करते हैं, दिस इज सीरीज कनेक्शन. सो वोल्टेज ड्रॉप बी वन विल बी ग्रेटर देन बी टू एंड इट विल बी ग्रेटर देन बी थ्री. वाई, बिकॉज द वोल्टेज ड्रॉप इज मैक्सिमम इन दिस वन, बिकॉज द वोल्टेज ड्रॉप, वाई इट इज मैक्सिमम, बिकॉज द रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम, इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, वोल्टेज ड्रॉप भी सबसे ज़्यादा होगी और साथ साथ ब्राइटनेस भी सबसे ज़्यादा होगी. इसका मतलब है दिस विल बी द ब्राइटेस्ट वन एंड दिस विल बी द लीस्ट ब्राइट इफ दे आर कनेक्टेड इन द सीरीज कम्बिनेशन. हम सीरीज की बात करते हैं, समझ आ गई बात. अच्छा डियर स्टूडेंट्स जी, अगर तो इसको मैं शॉर्टकट समराइज करता हूँ डियर स्टूडेंट, अभी इन सारे एमसीक्यूज को मैं समराइज करता हूँ. क्या एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर फर्स्ट है, अगर इसी तरह रिलेशनशिप है सीरीज में जी, और रिलेशनशिप आपसे आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड. अगर इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया इसी के हवाले से, या इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अमंग देयर ब्राइटनेस. अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स इनको मैं समराइज करता हूँ. ये तीन क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आपसे, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिस्टेंसेस, व्हाट इज द रिलेशनशिप एमंग द वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस और ब्राइटनेस के दरमियान जो रिलेशनशिप है ये इसी तरह है जी, बोलो. देखिए एरियर स्टूडेंट्स, दस जो सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्टकट है वो ये है, इनको मैं समराइज करता हूँ कि ब्राइटनेस इन द सीरीज कम्बिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, it is directly proportional to the voltage drop and it is directly proportional to the inversely proportional to the power, electrical power. Acha ji, ye clear ho gaya. Kehne ka matlab ye hai ki jis resistance, jis bulb ki power sabse kam, iski brightness sabse zyada hogi in case of the series combination. Once again listen to me, right. ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा उसकी होगी जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस इसकी ज़्यादा है बिकॉज ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज ड्रॉप. मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस का जो रिलेशनशिप है ये कैसे मैंने फाइंड किया जी स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस का जो रिलेशनशिप है ये स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप इसी तरह आप फाइंड कर सकते हैं, राइट. किसी भी कम्बिनेशन में ये सीरीज और पैरेलल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, इक्वली एप्लीकेबल है. समझ आ गई बात. अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया. उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी. ये मैंने तीन क्वेश्चन को समराइज किया कि ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा, और वोल्टेज ड्रॉप भी सबसे ज़्यादा होगी उसी में जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है. समझ आ गई. और ब्राइटनेस जो पावर के साथ रिलेशनशिप है इनवर्स है. समझ आ गई बात. मतलब ये है इसकी पावर सबसे कम है, सो दिस विल बी द ब्राइटेस्ट वन. ओके,
पावर सबसे ज़्यादा है तो ब्राइटनेस सबसे कम होगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है, मैं आपसे इसको मैं चलो इसको मैं इधर सीरीज और पैरल का कम्बिनेशन का एक रिलेशनशिप फाइंड करता हूँ। ये स्टूडेंट्स, अगर मैं इधर सीरीज लिखूँ और इधर पैरल लिखूँ, इनको मैं समराइज़ करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास P1 पावर है, P2 पावर है और P3 पावर है, इफ़ दे आर कनेक्टेड इन द सीरीज कम्बिनेशन, दिस इज कॉल्ड सीरीज। व्हेन यूवर दे आर कनेक्टेड विद एंड टू एंड, व्हेन यूवर ईच रजिस्टर इज कनेक्टेड डायरेक्टली विद द सोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स, दिस इज कॉल्ड पैरल कम्बिनेशन। राइट, समझ आ गई बात। दिस इज 220 वोल्ट। ओके, अभी सवाल ये है कि इनको मैंने कनेक्ट किया, व्हाट इज द इक्विवेलेंट पावर। पहली बात, इक्विवेलेंट पावर क्या होगी इसमें, याद रखिए इक्विवेलेंट पावर विल बी लेस देन द लीस्ट वन इन द डेटा। डेटा में आपके पास करें फॉर एग्जाम्पल ये 40 है, ये 60 वाट है और ये 100 वाट है, तो अगर आप इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, इक्विवेलेंट पावर को फाइंड करना चाहते हैं, तो इक्विवेलेंट पावर विल बी लेस देन द लीस्ट वन इन द डेटा। लीस्ट वन डेटा में क्या है, 40 वाट। व्हाट इज द फार्मूला, फार्मूला है आपके पास पावर इक्विवेलेंट इन द सीरीज कम्बिनेशन इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। समझ आ गई बात। अगर आपके पास पैरेलल कम्बिनेशन है तो इक्विवेलेंट पावर विल बी ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट वन इन द डेटा। तो याद रखिए इक्विवेलेंट पावर इन द सीरीज इन द पैरेलल कम्बिनेशन विल बी ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट वन इन द डेटा। समझ आ गई बात। कहने का मतलब ये है कि इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि P इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। अगर आपके पास इन इक्वल रजिस्टर्स है, इन इक्वल रजिस्टर्स है, मतलब P1 इक्वल टू P2, ये सारे बराबर है, तो आपके पास P इक्विवेलेंट इन द पैरेलल कम्बिनेशन विल बी इक्वल टू NP, राइट, NP ईच। एंड सिमिलरली अगर आपके पास इधर रजिस्टर है और इनकी पावर जो है ये सब बराबर है, P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3, तो इसकी इक्विवेलेंट पावर होगी P ईच डिवाइडेड बाय N, N पर ये डिवाइड होगी, मतलब ये इट विल बी लेस देन द लीस्ट वन। यहाँ पर इक्विवेलेंट पावर डिक्रीज होगी, यहाँ पर इक्विवेलेंट पावर इंक्रीज होगी। तो याद रखिए हमारे पास एक शॉर्टकट फार्मूला है, और शॉर्टकट क्या है, इनको मैं समराइज़ करता हूँ। अगर पावर पैरेलल और पावर सीरीज़ का रेशो आप फाइंड करना चाहते हैं, सो इन स्क्वायर रेशो 1 से आप फाइंड कर सकते हैं। दिस इज़ द मदर फार्मूला, इम्पॉर्टेंट फार्मूला।